प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग इकोनॉमिक्स की लेखन श्रृंखला पर बात कर रहे हैं। यह आईएएस मेंस थर्ड पेपर संबंधित है। यह मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म है। इस पर लगातार हम एक सीरीज बना करके इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन का आनंद मिल रहा है। आप लोग लगातार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और आप जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। भारत का डाक भुगतान बैंक, ठीक, सबसे पहले हम इसी बात को समझते हैं। भारत का डाक भुगतान बैंक, सबसे पहले समझिए, सब देखिए, पोस्ट ऑफिस, डाक व्यवस्था, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले डाक व्यवस्था को समझते हैं। एक टर्म इसमें डाक व्यवस्था है, दूसरा इसी को कह रहा है डाक भुगतान बैंक, ठीक। और उसके बाद क्या कर रहा है कि यह जो सामान्य वाणिज्यिक बैंक है, जो नॉर्मल कॉमर्शियलाइजेशन जो बैंक है, इसे किस प्रकार यह डिफरेंट है, इसकी भिन्नता क्या है, इस बात पर, इसके महत्व पर हमें प्रकाश डालना है। मैं आपको बताऊं, वर्ष 2018 के पहले भारतीय डाक ही था। आज यह एक डाक भुगतान बैंक बन गया है। आप देख रहे हैं वर्तमान समय में कम्युनिकेशन की इतने साधन डेवलप हुए कि डाक व्यवस्था में कोई काम ही नहीं बचा। मतलब, अरे भाई, आपने वो गाना तो सुना होगा, चिट्ठी न कोई संदेश। वो चिट्ठी कौन लाती थी? डाक व्यवस्था लेके आती थी। आप यहां से लिखते थे और दूर दराज जो है डाक की पहुंच होती है। और मैं आपको बताऊं, डाक व्यवस्था एक ऐसी भारत की व्यवस्था है, हर घर घर तक डाक, भारत सरकार इसके माध्यम से पहुंच सकता है। इस बात को समझिए, भारत सरकार जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहे बड़े आराम से डाक व्यवस्था के माध्यम से तुरंत अपनी पहुंच को कर सकता है। ये देखिए इस बात को। तो इसका मतलब एक असीमित जंजाल, एक असीमित जो है, आप इसको कहिए असीमित जाल, जंजाल नहीं, असीमित जाल चारों तरफ फैला पड़ा है। इस बात को समझिएगा, पूरा नेटवर्क बिछा पड़ा है, लेकिन अब इस नेटवर्क के पास कोई काम धाम नहीं है, खाली आराम। मतलब डाक में, अगर डाक व्यवस्था में नौकरी मिल गई तो क्या करना, आराम से अपना कुर्सी तोड़िए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम काम होता है। लेकिन आइए इस बात को समझते हैं, क्या डाक व्यवस्था वास्तव में जैसा हम अनुमान लेके चल रहे हैं इसी तरह का है, या वास्तव में यहां पर कार्य की स्थिति है, या वास्तव में क्या यह बैंकिंग पद्धति पर काम करने वाला है और यह काम कर रहा है, या यह किस प्रकार से इससे भिन्न है, इन सारे मुद्दों पर हम लोग लगातार यहां पर बात करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक सामान्य वाणिज्यिक बैंकों से किस प्रकार भिन्न है, ठीक, और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इस बात को ध्यान रखिए, आइए समझते हैं। यह प्रश्न संघ एवं उत्तर राज्य सिविल परीक्षा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के सामान्य अध्ययन प्रश्न 3 से लिया गया है। आइए देखते हैं बच्चों, अर्थव्यवस्था खंड से लिया गया है और इसका प्रश्न का जो सरोकार है वह वित्तीय प्रणाली से रखता है, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम से मतलब है। प्रश्न का प्रथम भाग भारत के डाक भुगतान बैंक एवं सामाजिक वाणिज्यिक बैंकों की संरचना प्रावधानों में तुलना करने का निर्देश देता है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, अर्थात भारत डाक भुगतान बैंक की कार्यप्रणाली सामान्य वाणिज्य की कार्यप्रणाली से किस प्रकार डिफरेंट है, किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से अलग है। और उत्तर के इस भाग की विषय वस्तु होगी। प्रश्न का दूसरा भाग भारतीय डाक भुगतान के महत्व पर प्रकाश डालने, अर्थात सरल शब्दों में इससे उत्पन्न होने वाले लाभों को बताना है। यह प्रश्न के अंदर निहित जो है अर्थ है, इस प्रश्न को हमें यहां पर समझना है, इसके उत्तर लेखन को समझना है। फिलहाल हम यहां शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो है क्या हुआ, क्या हम इसमें क्या किस प्रकार से लिखेंगे, और आइए इस बात को हम समझते हैं। एक एक करके मैं आपको बहुत अच्छे समझाने जा रहा हूं, आप समझिएगा बच्चों। सबसे पहले देखिए, भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति में सुधार करने, भुगतान एवं वित्तीय सेवाओं को अधिक सुगम बनाने। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वित्तीय सेवाएं सुगम बनेंगी? आप घर पे हैं, डाक की पहुंच आप तक है, आप जो है डाक विभाग आपके घर तक पैसा पहुंचा देता है। पहले मनी ऑर्डर होता था कि नहीं होता था, तो डाक पहुंचाता था कि नहीं पहुंचाता था? अब हम कह रहे हैं कि यह एक बैंक की तरह काम करे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आप भी पैसा जमा कर सकें, पैसा निकाल सकें, यह आपको एक सुविधा मिल जाए। इस बात को समझिएगा, बहुत सारे जगहों पर अगर वहां पर बैंक की ब्रांच नहीं है तो डाक ही क्या है, बैंक है, तो कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो वही मैं कह रहा हूं कि भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति में सुधार करने,
भुगतान वित्तीय सेवाओं की अधिक सुगम बनाने, इस तरह सुगम बनेगा, भारत में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, समझ रहे हैं, बैंकिंग विस्तार किया भाई। बैंक का काम क्या है, लेन देन की व्यवस्था को सुचारू रूप से होना, किसी को पैसे की दिक्कत ना हो। आप घर में लाखों रुपया रखेंगे, चोरी हो सकता है, बैंक में पैसा है, जवाबदेही बैंक की है, बैंक अपने आप आपको देगा। इस बात बैंक में चोरी होगी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट देगी ना उस बात को, समझिए। तो आपको जो है वित्तीय जो है यहाँ पर बैंकिंग सेवाओं का विस्तार के उद्देश्य के साथ, अब इस डेट को आप याद करिएगा, 1 सितंबर 2018 में भारतीय डाक भुगतान बैंक का शुभारंभ किया गया। भारतीय डाक भुगतान बैंक एक प्रकार का भुगतान बैंक है जो सामान्य वाणिज्यिक बैंकों से संरचनात्मक भिन्नता रखता है। देखिए इसमें किस तरह से यह सामान्य बैंकों से अलग है, इस अलग वाली बात को हमें समझना है, इसकी लिमिटेशन कितनी दी गई है, इसकी कितनी सीमाएं हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए क्या है कि यह सामान्य वाणिज्यिक बैंकों के असीमित जमा के बजाय केवल 1 लाख रुपए तक का जमा स्वीकार करता है। यह बैंक कहता है भाई देखो हम ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, 1 लाख रुपया आप 1 लाख रुपया तक आइए और हमारे, अच्छा इसके लिए इसके पीछे भी सोचो, सामान्य जरूरतें जो हैं, जो छोटी मोटी जरूरतें हैं, 1 लाख के अंदर सब जरूरतें आप लगभग इमरजेंसी में आप पूरा कर सकते हैं। तो यह बैंक ऐसा है कि आप सोचिए हर गांव में डाक है तो डाक व्यवस्था है, आप 1 लाख रुपया तक वहां जब चाहे तब प्राप्त कर ले, है कि नहीं है, तो कितना मजेदार बात है। तो आप 1 लाख तक का यह आपसे जमा स्वीकार कर सकता है, तो 1 लाख रुपए तक का यह जमा स्वीकार कर सकता है, जबकि कॉमर्शियल बैंक में आप जितना चाहे उतना पैसा आप रख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए भारतीय डाक दूसरा पॉइंट देखिए, भारतीय डाक भुगतान बैंक न तो ऋण दे सकता है और न ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। अब समझिए ये इसकी लिमिटेशन आ गई, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, ये क्रेडिट कार्ड आप बैंकों से मिल जाता है, आप आराम से सामान खरीद लेते हैं, बाद में जब आपके पास पैसा होता है इंस्टॉलमेंट में चुका देते हैं, लेकिन यहां पर यह सुविधा आपको नहीं मिलेगी। ऋण नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह आपको ऋण नहीं देगा किसी तरह से। बैंक आपको ऋण देता है लेकिन पोस्ट ऑफिस आपको ऋण नहीं देगा, आप अपने पैसे को यूज करो वो बात ठीक है, लेकिन यह ऋण नहीं देगा। ठीक, और देखिए जबकि सामान्य वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में इस तरह का कोई बंधन नहीं होता, यह बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। यह केवल, अच्छा एक चीज और देखिएगा, इसमें जो खाता खुलेगा वह 2 तरह का खाता खुलेगा, एक चालू खाता, जितनी बार मर्जी है जाओ पैसा निकालो, जाओ पैसा निकालो, आओ पैसा निकालो, चालू खाता। बचत खाता आप अपना जो है, इसकी लिमिटेशन रखी गई है, बचत खाता आप जो है, आप जो भी पैसा आपका बचत होता है आप उसको वहां पे आसानी से जमा कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस तरह का संचालन करता है। इसके बाद देखिए सावधि एवं आवर्ती खाते इसके दायरे से बाहर होते हैं, इस बात को समझिएगा, यह फिक्स डिपॉजिट की स्थिति स्वीकार नहीं करता। यस, यह जो है सावधि खाता और आवर्ती खाता पर काम नहीं करता, 2 तरह के खाते पर काम करेगा। कौन कौन से 2 तरह के खाते हैं, एक खाता है हमारा चालू खाता और एक हमारा है बचत, एक हमारा करंट अकाउंट और एक हमारा सेविंग अकाउंट। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ये सारा पॉइंट हो गया। अब देखिए इस तरह से भारत डाक भुगतान बैंक केवल लेन देन जैसे वित्तीय कार्यों के लिए ही उपयोगी है, जबकि यह आम वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत साख सृजन करने हेतु अधिकार प्राप्त नहीं है, इस बात को समझिएगा। जनरली क्या होता है, आम जो बैंक होते हैं वो अपना साख सृजन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय डाक बैंक के पास ये बात नहीं है। अब देखिए भारतीय डाक बैंक का महत्व समझिए, हम लोग लगातार अब इसके जो है हमने देख लिया कि क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, तो अब इसके महत्व पर एक बार प्रकाश डालते हैं। इसका सर्वप्रमुख महत्व, अब इस बात को समझिएगा, पहला पॉइंट आप समझिएगा और मैं एक एक बात को बड़ा जो है आराम से ओपन करके बताता चलता हूं आपको। इसका सर्वप्रमुख महत्व वित्तीय समावेशन लेकर है, अपने समग्र स्वरूप में यह 1.55 लाख डाक शाखाओं के साथ काम करने पर यह भारत का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा, समझ रहे हैं, 1,55,000 शाखाएं हैं। मैंने कहा था ना यह एक जंजाल नहीं, यह एक जाल है, एक नेटवर्क है, 1,55,000 ब्रांच, आप समझ सकते हैं 1,55,000 ब्रांच पूरे जो है भारत में फैला पड़ा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक कितना बड़ा यह बैंक हो गया, समझ सकते हैं सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, है कि नहीं है, तो वही बात कहा गया है, और सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। इसमें अधिकांश देखिए 89.7 शाखाएं, ये देखिए बड़ी अच्छी भी बात है,
89.7 मतलब लगभग 90%, 90% इसकी शाखाएं कहां पर हैं? ग्रामीण पर हैं। तो इसका मतलब हम ग्रामीण पृष्ठभूमि को क्या कर सकते हैं, बड़ी ही मजबूती यहां से हम दे सकते हैं, इस बात को समझिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में होने के समावेशी विस्तार की दृष्टि से इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, इस बात को समझिएगा। तो हमने कहा कि 90% ये ग्रामीण में, मतलब 80.7 है, 89.7, 89.7 का मतलब क्या हो गया, 90% ही हो गया, लेकिन आप पूरा डाटा याद रखिए, ये ग्रामीण फैला हुआ है, 155,000 इसके ब्रांच हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क जॉल है। और देखिए इसका महत्व, भारतीय डाक भुगतान बैंक से बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी, ये तो सीधी सी बात है। ठीक, मान लीजिए मैं एस कुमार इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं और भी लोग आ सकते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, तो मेरी प्रतिस्पर्धा तो कठिन हो गई ना, चुनौती कठिन हो गई कि मुझे आपके साथ और मेहनत करके और ज्यादा ज्यादा रिजल्ट लाना पड़ेगा, मुझे और फोकस होना पड़ेगा, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। तो प्रतिस्पर्धा हुई कि नहीं, आप तैयारी करते हैं, दिन पर दिन लाखों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ते जाते हैं, तो हो गई नहीं प्रतिस्पर्धा, आपको और कंसंट्रेट होकर के और मेहनत से और सही तरीके से और अपडेट टीचर से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना। वही बात है कि अगर मान लीजिए जब इतनी बड़ी शाखा के साथ भारतीय डाक व्यवस्था आ जाएगी, तो जो लोग पैसा अपना बैंक में लेके जाते थे वह क्या करेंगे भाई? आप मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर आपके घर से बैंक है या 8 किलोमीटर दूर है, आप 8 किलोमीटर जा रहे थे और यहां घर से 200 मीटर के दायरे में पोस्ट ऑफिस है, तो आपन लोग पोस्ट ऑफिस में जाके पैसा जमा करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, वो भी एक तरह का बैंक है कि नहीं है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह भारत सरकार का वित्तीय उपक्रम है, हमें इस बात को समझना चाहिए। भारतीय डाक भुगतान बैंक से बैंकिंग सेवाओं में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी, जिससे बैंकिंग सेवाएं क्या हो जाएंगी भाई, इनको और दक्षता इसमें होगी, तीव्र होंगी, सस्ती होंगी, इनको अपने ब्याज दर में सहूलियत देना पड़ेगा, ठीक है, इनको और जो है सरलता से और बहुत पॉलिटिकल तरीके से क्या करना पड़ेगा, हम्बल व्यवहार करना पड़ेगा, नहीं तो कौन जाएगा इनके पास। इसमें उपभोक्ताओं हेतु बेहतर वित्तीय सेवाएं मिलेंगी, इसके अतिरिक्त इसमें बड़ी मात्रा में नए रोजगार अवसरों का सृजन भी, आकलन का भी आकलन है, इस बात को समझिएगा। जब हम एक बड़ी वित्तीय व्यवस्था लेके आएंगे तो रोजगार के अवसर आएंगे, मतलब एक तरह समझिए बहुत सारी वैकेंसी आएंगी डाक विभाग में, और कौन जॉब करने के लिए जाएगा, हमारे देश के युवा। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर अधिकाधिक आंकलन के अनुसार इसमें लगभग 3500 कुशल रोजगार का सृजन होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आधिकारिक आंकलन के अनुसार इसमें 3500 कुशल रोजगारों का सृजन होगा। अब देखिए, भारतीय डाक भुगतान बैंक डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थापना की दृष्टि से सहायता तो होना तो होगा ही, साथ ही यह नेपथ्य में चल रहे भारतीय डाक विभाग के लिए संजीवनी का भी काम करेगा। अब यह जो बात थी, जो मैं आपको शुरू में पॉइंट बताया था, उस बात को समझ लीजिए, संजीवनी का काम कैसे कर रहा है। लक्ष्मण जी बेहोश पड़े थे और जो हनुमान जी लेके आए और संजीवनी दिए, और उसके बाद सुसैन वैद्य ने संजीवनी दिया और क्या हुआ कि लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए, समझ रहे हैं? तो यह जो हमारी डाक व्यवस्था है, यह क्या है, निश्चेत पड़ी हुई है, काम कम है, ठीक है, आराम से चल रही है, जब इसके ऊपर बैंकिंग का काम आएगा तो इसे क्या करना पड़ेगा, आंख खोल के देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, एक भी जीरो इधर से उधर हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 1 लाख की जगह पे 10 लाख हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह क्या आ जाएगी, यह इसके लिए यह जो व्यवस्था की जा रही है, डाक भुगतान बैंक जो बनाया जा रहा है, इसमें संजीवनी का काम करेगा। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं, बड़ा ध्यान समझिएगा। भारत डाक भुगतान बैंक प्रारंभ, अभी मैंने बताया था, 1 सितंबर 2018 प्रारंभ हुआ है, सबसे पहले हमने इस बात को कहा है। दूसरा हमने कहा कि यह क्या है, एक भुगतान बैंक के रूप में है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, यह कमर्शियल बैंकों से डिफरेंट है। चौथी बात क्या है, हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या है कि सुविधाजनक वाहनी एवं विश्वसनीय बैंकिंग परिवेश निर्माण में सहायक हो जाएगा, हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा डाक विभाग पे ट्रस्ट पहले से ही है। अब देखिए यहां पर आप देखिए कि हमने इसके बताया कि कब इसको प्रारंभ किया गया, लेकिन जब मैं यहां पर बात करता हूं कि यह वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न है, तो इस पॉइंट को आप देखिए, केवल देखिए कैसे भिन्न है, 1 लाख रुपए तक, हाईलाइट पॉइंट है सब, इसको आप देख लीजिएगा। पहला पॉइंट तो यही हम करेंगे कि भाई यह 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए तक क्या करेगा, यह 1 लाख रुपए तक ही जमा स्वीकार करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, न तो ऋण दे सकता है और न ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। तीसरा क्या है, सावधि और आवर्ती खातों का संचालन नहीं करेगा, इस बात को समझिएगा। और क्या है,
देखिए इसके लाभ हम देखते हैं कि ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से भिन्न, और लाभ वाला पॉइंट इसके देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इसका लाभ मिलेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें वित्तीय समावेशन वाली जो बात है इसको आप ध्यान दीजिएगा, 1.55 लाख देख रहे हैं इसका कितना है, 1.55 लाख आपने समझा, वो जो ब्रांच वाली बात थी। और 89.7 ग्रामीण क्या है, 90% लगभग इसकी शाखा ग्रामीण है। ये सब देखिए पॉइंट इसके लाभ है। बैंकिंग क्षेत्रों में क्या हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, दक्ष एवं सस्ती हो जाएंगी, नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा जो भी आपको बता भी रहे थे, डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, डाक विभाग को संजीवनी, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा और देखिए निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं, सुविधाजनक होगी ठीक है, वाहनी एवं विश्वसनीय बैंकिंग परिवेश के निर्माण में सहायक होगी। तो यह आपने इसको देखा। अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, यहां तक की बात समझने के बाद इस तरह से स्पष्ट है कि भारत डाक भुगतान बैंक का महत्व न केवल वित्तीय समावेशन की दृष्टि से है अपितु इससे अन्य हित भी सत्य नजर आ रहे हैं, जो भारत में सुविधाजनक वाहनी एवं विश्वसनीय बैंकिंग सेवाओं की स्थापना में मददगार होंगे। अब देखिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा खड़ा नहीं करना है, आपके पास हर जगह डाक विभाग का अपना है, समझ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत उसको मॉडिफिकेशन करना है। तो हमारी एक जो व्यवस्था जो क्या थी, जाम थी, हमने क्या किया उसको रोटेट करा दिया, समझ रहे हैं, तो हमारा खर्च तो कम पड़ा। और जिस तरह से जो है पॉपुलेशन दबाव बन रहा है, जिस तरह से बैंकों की ज्यादा जरूरत होती है, जिस तरह से आप देखेंगे बैंकों में कितनी लंबी लाइन लगती है, आप देखिए यह सारा जो उद्देश्य है आप देख सकते हैं। जैसे आप देखिए नोटबंदी कार्यक्रम में कितने लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो उस समय डाक विभाग भी साथ के साथ काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं काम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नोट खूब बदले गए, समझ, डाक विभाग द्वारा भी खूब नोट बदले गए। आप देखते हैं बैंकों में अभी भी कोई जैसे छूट अनुदान आ जाता है तो लंबी लाइन लग जाती है, जब यह बात डाक व्यवस्था के हाथ में छूट अनुदान चला जाएगा तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, हर गांव के लोग एक जगह रुक जाएंगे, बैंक तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, शहर तक नहीं जाना पड़ेगा, तो कई तरह से क्या हो जाएंगे, यह एक जो समझिएगा कि मजबूत वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत ही यह क्या हो सकती है, मील का पत्थर साबित हो सकती है। और दूसरी बात आपको मैंने बताया कि इसके लिए क्या था, ये जो इसमें बैंकिंग चीज लाया गया, बैंकिंग व्यवस्था लाएगी, इसके लिए क्या है, संजीवनी का काम करे, इसको जीवंत कर देगी, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको हमने आपको बड़े अच्छे समझाया, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये प्रश्न तो कंप्लीट हो गया भाई, चलिए कुछ अगला प्रश्न लेके देखते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और हमारा प्रयास है कि हम आपको एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से टू द पॉइंट लिखने की कला के साथ समझाने का पूरा प्रयास रहता है, और सब चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पर लिख के बताया जा रहा है, जिससे आपको मेंस में बड़ा ही लाभ मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब मेंस की तैयारी आप करते हैं तो पीटी अपने आप ही उसके पीछे पीछे चलता है, उल्टी प्रक्रिया होती है। जैसे देखिए मैं भी उल्टा पढ़ा रहा हूँ, पहले 16 नंबर पढ़ा रहा हूँ, फिर 15 नंबर पढ़ा रहा हूँ, तो आना तो सारा कुछ ही है लेकिन प्रोसेस क्या है अपने ऊपर से है, आप किधर से भी शुरुआत कर लीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस आप चलते रहिए, रुकिएगा मत, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लगातार अगर मेहनत करते हैं, लगातार अगर आप पढ़ते हैं, लगातार आप सही मार्गदर्शन में हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सफलता आपकी होती है। थोड़ी सी बड़ी लड़ाई होती है, थोड़ा बड़ा पेशेंस चाहिए, तो आप पेशेंस बना के रखिए, यहां से हम भी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं उतना ही। अब बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन हम ये आपको बताने वाले हैं, अभी हम डाक विभाग पर बात कर रहे थे और ये क्वेश्चन आपने देख लिया, और इस क्वेश्चन के बाद ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको आप देखिए, और ये भी मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है, और ये क्वेश्चन है भारतीय मौद्रिक प्रणाली, ठीक, भारतीय मौद्रिक प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता अपरिहार्य है, कथन का परीक्षण कीजिए। देखिए बड़ा ही बेहतरीन कथन है, आइए इसको समझते हैं। ये प्रश्न का संदर्भ क्या है, प्रश्न संघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य सिविल मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र अर्थखंड के भारत के मौद्रिक प्रणाली उपखंड से है, समझ में आ रहा है, मौद्रिक प्रणाली उपखंड से है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, आरबीआई के ऑटोनॉमस की हम बात कर रहे हैं, आरबीआई के स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, तो आइए हम इस बात को समझते हैं। और इसके संचालन में, भारतीय मौद्रिक प्रणाली के संचालन में भारतीय रिजर्व बैंक की जो ऑटोनॉमस है वह कितनी अपरिहार्य है, इस पर हमारा आज का परिचर्चा है। अब इसको समझिए, पहले प्रश्न विचार करते हैं, प्रश्न में दो भाग हैं जो आपस में लक्ष्य एवं कारक के रूप में, एक लक्ष्य को बताता है, एक कारक को बताता है, संबंध है, समृद्ध है, असंबद्ध है। इसमें
इसमें से लक्ष्य है भारतीय मौद्रिक प्रणाली का सुचारू संचालन। भारतीय मौद्रिक प्रणाली जो है वह ठीक प्रकार से चलनी चाहिए। इसका कारक है, ठीक है, आरबीआई की इंडिपेंडेंसी, ऑटोनॉमस, ये दूसरा पॉइंट है, देखिएगा, संचालन है। और इसका कारक देखिए मैंने क्या बताया, इसका लक्ष्य है भारत मौद्रिक प्रणाली का सुचारू संचालन, समझिएगा। इसमें हमने दो चीज बताया था ना, एक चीज हमने बताया कि एक चीज लक्ष्य है, रुक जाइए आराम से इसको समझिए, और एक एक चीज हम लोग बात करेंगे। हमने कहा कि देखिए इसमें दो चीज है, एक है लक्ष्य और एक है कारक, ठीक है। एक व्यवस्था को बेहतर बनाती है, एक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मजबूर करती है। कह रहा है कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली जो है का सुचारू संचालक क्या है, इसका लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है, और आरबीआई की सत्ता क्या है, इसका कारक है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अर्थात प्रश्न का कथन यह कहता है कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली तभी सुचारू रूप से संचालित होगी जब भारतीय रिजर्व बैंक स्वायत्त होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बात समझिए, जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई कितनी इंडिपेंडेंस है, कितनी ऑटोनॉमस है, या उसमें जो है भारत सरकार द्वारा जो लोक लुभावन योजनाएं आती हैं जिसकी वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ता है, उसको सरकार को उसको ऋण देना पड़ता है, इन सारी चीजों को इस क्वेश्चन के द्वारा आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। भारतीय मौद्रिक प्रणाली तभी सुचारू रूप से संचालित होगी जब भारतीय रिजर्व बैंक स्वायत्त होगा। प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द कथन के परीक्षण का निर्देश भी देता है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। और कथन सत्य है कि नहीं, यदि सत्य है तो क्यों, और यदि असत्य है तो क्यों, अतः सत्यता का परीक्षण तार्किक आधार पर किया जाना चाहिए। देख रहे हैं कितना जो है डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं किस प्रकार से हम इसका आंसर करेंगे और एक एक बात को अच्छे प्रकार समझेंगे। तो हमारा प्रश्न ये था कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली के सुचारू संचालन में भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता अपरिहार्य है, ठीक है, कथन का परीक्षण कीजिए। तो एक एक चीज को हम यहां पर आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले हम यहां शुरू करते हैं बिल्कुल, और पहली जो है हम बात आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से आप समझिएगा। यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई भारत की मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधक होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आरबीआई के ही गाइडलाइन पर सारे बैंक जो होते हैं वह काम करते हैं। तो वही बात कहा गया, भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक प्रणाली का क्या होता है, प्रबंधक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन निर्भीकता से करे, इस हेतु इसे स्वायत्त रखने की वकालत भी की जाती है। इस बात को समझिएगा, क्या ऑटोनॉमस है, आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, ठीक है। अगर प्रेशर है किसी तरह का तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से निर्वहन कर पाएंगे, इस बात को समझिएगा। और अगर आपके पास प्रेशर नहीं है तो फिर तो आप अपना मनमाना घर जाना है, आप उसको जो है वित्तीय प्रबंधन को, क्योंकि आपका मेन कार्य वही है, तो आप जो है ऑटोनॉमस अगर हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक बेहतर ये विकल्प बन जाएगा, आप आराम से अपने काम को अपने हिसाब से सारी चीजों कर सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं यहां पर इस पॉइंट को मैं फिर से पढ़ता हूं, भारतीय रिजर्व बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन निर्भीकता से करे, इसे इस हेतु इसे स्वायत्त रखने की वकालत की जाती है। यदि आरबीआई स्वायत्त नहीं होगी और उस पर सरकार का नियंत्रण बना रहेगा तो इससे स्थितियां भारत के प्रतिकूल हो सकती हैं। इसी कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को अपरिहार्य माना जाता है। इसके पीछे अनेक तर्क हैं, आइए देखते हैं। आरबीआई की भूमिका एक चिकित्सा की तरह होती है, ठीक है, जिसमें वह अर्थव्यवस्था के हित में कठोर निर्णयन करने से भी नहीं चूकता। इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है, आप चले जाते हैं, चोट लगी हुई है डॉक्टर के पास, डॉक्टर जाने के बाद ही दो इंजेक्शन तगड़ा वाला लगाता है, एक तो इंजेक्शन का दर्द हो रहा है और दूसरा ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि अंदर नस में जाके भी पिरपिरा रहा है, समझ रहे हैं, आप बेचैन हो गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया है यह मेरे इस चोट को क्या कर देगा, ठीक, लेकिन चोट पर चोट मार दिया ना, ये समझिए। तो वही चीज यहां पर किया कहा गया है, आरबीआई की भूमिका एक चिकित्सा की तरह है, ठीक है, जिसमें वह अर्थव्यवस्था के हित में कठोर निर्णयन करने से भी नहीं चूकता, समझिएगा।
और ऐसे में यदि वह स्वायत्त नहीं होगा तो उस पर लोक लुभावन कार्यों का दबाव होगा और अपनी भूमिका का वह उचित निर्वहन नहीं कर पाएगा। इस बात को समझिएगा। आपको मैं बताऊं, सीधी सी बात ऐसे समझिए, बैंक लोन नहीं देना चाहता है, सरकार लोन दिलवाना चाहती है। बैंक लोन देना चाहता है उनको जहां पर उसको एश्योर्ड हो कि हमें यह जो है पैसा हमारे पास आ जाएगा। सरकार कहती है यह पब्लिक ही सरकार है, तुम दो कोई टेंशन मत लो, हम बैठे हैं। समझ रहे हैं? देखिए, अब उसमें इंडिविजुअल जो जो लोग करप्ट हैं वो उस क्या करेंगे, उस योजना का, उस ऋण का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, देखिए किस तरह से। लेकिन अगर यह पूरी तरह से स्वायत्त होगा अपने मानक के आधार पर, इसको ठीक है किसको देना है किसको नहीं देना है, मेरा खुद का डिसीजन है, मैं क्यों गवर्नमेंट की बात पर ध्यान दूं। और देखिए इसी रुख के साथ बैंकिंग प्रणाली कार्य भी करती है, इस बात को थोड़ा आपको व्यवहारिक तरीके से भी समझना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आरबीआई की भूमिका एक चिकित्सा की तरह है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें वह अर्थव्यवस्था के हित में कठोर निर्णय करने से भी नहीं चूकता। ऐसे में यदि वह स्वायत्त नहीं होगा तो उसे लोक लुभावन कार्यों के दबाव होगा और वह अपनी भूमिका का उचित निर्वहन नहीं कर पाएगा। थोड़ा आगे चलिएगा, आरबीआई की स्वायत्तता और भारतीय मौद्रिक प्रणाली, इस बात पर हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छी तरह से, और मैं इसको थोड़ा सा इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का और अच्छे से प्रयास करूंगा। जरा इसको आप अच्छी तरह समझिएगा, मैं पूरा डायग्राम यहां पर लेके आता हूं। आरबीआई की स्वायत्तता और भारतीय मौद्रिक प्रणाली, इस पॉइंट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारतीय मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन, यह कौन करता है? निश्चित रूप से आरबीआई करती है। दूसरा पॉइंट, रिजर्व बैंक की स्वायत्तता है तभी वह क्या कर सकती है, वह बेहतर मौद्रिक नीति बना सकती है। तीसरी बात देखिए, स्वायत्तता अपरिहार्य क्यों है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और चौथी बात देखिएगा, नियंत्रण की आवश्यकता, कहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और पांचवी बात जो हमारी है वह निष्कर्ष की बात होती है। तो मैं ये कहता हूं, पहले इस पॉइंट को देख लीजिएगा कि नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। तो पहला है कि जनता का ही सर्वोपरि, गवर्नमेंट, मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट क्या कहती है, पब्लिक, पब्लिक पहले है भाई, गवर्नमेंट कहती है पब्लिक पहले है, कुछ भी करो यार उसके पास, उसको जीवित रहने दो, उसको विकास करने दो, उसको डेवलप करने दो, कैसे भी करो, लेकिन पब्लिक का हित पहले है। तो जनता का ही सर्वोपरि, सरकार जनता के बीच से जन भावना, यहां पर सरकार जनता के बीच, अतः आरबीआई अकेले समस्या का समाधान में अच्छा, सरकार जनता के बीच से अंतर जन भावनाओं की अधिक मेन चीज समझिए क्या है, जन भावनाओं, जन भावनाओं का मतलब क्या होता है, जन भावनाओं का मतलब होता है कि हम लोगों की भावनाओं का कद्र करेंगे, जन भावनाओं को हम ध्यान रखेंगे, इस बात को समझिए। सरकार जनता की जन भावनाओं पर पूरा काम करेगी, इस बात को ध्यान देगी, किसी को किसी तरह से तकलीफ नहीं होने देगी, यही बात है। और किस तरह से करती है, आरबीआई को निर्देश देकर, और इस तरह से वो क्या करती है, आरबीआई को क्या करती है, वो गवर्नमेंट वो करती है, दिशा निर्देशन देती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो भारतीय बैंकों पर एनपीए का प्रभाव है। एक तरफ हमने क्या देखा, जनता के हित की बात करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी बात करते हैं तो उधर एनपीए अकाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, नॉन प्रॉफिटेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नुकसान किसको है, बैंकिंग प्रणाली को है। अतः आरबीआई अकेले समस्या समाधान में असक्षम है, क्योंकि उधर गवर्नमेंट भी जो है उसके ऊपर प्रॉपर जो है बना रखती है दबाव। अतः सरकारी निर्देश क्या होता है, आवश्यक होता है। एक बात और समझिए, आरबीआई की स्वायत्तता मिले परंतु उचित सरकार निर्देशों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, समझिए इस बात को, क्योंकि हमारा जो देश है वह एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अधिकार होता है, लोकतंत्र है, समझिएगा इस चीज को। यहां पर कोई तानाशाही नहीं है, थोपा नहीं जा सकता, समझिए। तो लोकतंत्र है, सबके विकास की बात होती है, यहां पर समावेशी विकास की बात होती है, सबको हम पैसा उपलब्ध कराएंगे, सबको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, सबको शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, सबको स्वास्थ्य उपलब्ध कराएंगे, सरकार पूरी तरह से काम करती है। आरबीआई कैसे उससे अलग चली जाएगी, आरबीआई अपनी नीति बना, तो आरबीआई को सरकार के साथ तालमेल बिठा करके ही चलना पड़ेगा, ये बात यहां पर बताया गया है, निष्कर्ष आप देख लीजिएगा। लेकिन जो हम इस पर कह रहे थे, इस पॉइंट को जरा देखिएगा, इसमें एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहां पर आरबीआई चिकित्सा की तरह, चिकित्सा की तरह कठोर निर्णय करती है, मैंने बताया था कि आरबीआई का जो डिसीजन होता है वह डॉक्टरी ट्रीटमेंट होता है, ये पहले हम बात कर चुके हैं। स्वायत्तता नहीं होगी तो निर्भीक निर्णय दुष्प्रभावित होंगे, जो उसको बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए वह नहीं ले पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीडीपी प्रभावित हो रही है तो होने दो, लेकिन पब्लिक को प्रभावित मत होने दो, इस बात को समझिएगा। सरकार एक अस्थिर संस्था, बार बार चुनाव होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए एक ही तरह की सरकार होती
तो वह एक तरह की नीति पर करती, 5 साल बाद सरकारें बदल जाती हैं। सरकार बदलने के बाद केवल सरकार ही नहीं बदलती है, जो 5 साल की आर्थिक नीतियां होती हैं वह पूरा सस्ते बस्ते में भी डाली जा सकती हैं। अगली गवर्नमेंट उसमें किस चीज को प्रमोट करेगी, किस चीज को प्रमोट नहीं करेगी, किस नीति के लिए आरबीआई को गाइडलाइन जारी करती है, किसको रोकती है, तो आप देख सकते हैं कि वह सारा जो पैसा जो पूंजी था वह सस्ते बस्ते में चला जाता है। इसीलिए एक स्थिर सरकार चाहिए, एक काम करने वाली सरकार चाहिए, एक मेहनती सरकार चाहिए अगर देश का विकास है, और उसको लगातार चाहिए, समझिएगा, लगातार उसी तरह की सरकार का, काम करने वाली सरकार का लगातार बने रहना भी बहुत जरूरी होता है। खैर ये तो थोड़ा सा मुद्दा से बाहर चले जाएंगे ज्यादा। सरकार एक अस्थिर संस्था है, इस बात को समझिएगा, जबकि आरबीआई स्थिर संस्था है। आरबीआई पर सरकार से आरबीआई की दक्षता दुष्प्रभावित हो जाती है, मैंने आपको समझाया किस तरह से भी दुष्प्रभावित होती है, ये बात आपके समझ में आ गया होगा। सरकार लोक लुभावन कार्य करती है, आरबीआई तथ्यों पर आधारित निर्णय लेती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अतः स्वायत्त संस्था से अधिक दक्ष निर्णय लेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्वायत्तता के अभाव में निर्णय पर से हटेंगे, मौद्रिक नीति दुष्प्रभावित होगी। और देखिए प्रशासक यहां पर निर्भीक स्वायत्तता के अभाव में आरबीआई की सचेतक की भूमिका भी अर्थहीन हो जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था की समस्याएं उजागर नहीं होंगी, इसका दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी, दोनों चीजों के बैलेंसिंग से ही चीजों को हम अपने यहां हमारे जैसे देश में दोनों ही बच्चों का बैलेंस होना, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करके ही हम क्या कर सकते हैं, चीजों को आगे लेके जा सकते हैं, किसी एक चीज पर रिजिड रह करके हम क्या कर सकते हैं, देश को नहीं चला सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा और हमने इसको आपको अच्छी प्रकार से यहां पर बताया। अब आइए हम इस पॉइंट को और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, इस बात को हम और यहां पर डिटेल में आपको बताते हैं, इन सारी बातों को एक बार फिर से आपके साथ। आरबीआई एक स्थिर संस्था है और उसकी कार्यप्रणाली है जो सरकार जैसी अस्थिर संस्था की कार्यप्रणाली से अलग है। यदि इसको हम स्वायत्तता देंगे, स्वायत्तता में सेध लगाई गई, तो इसे भी चुनावी हित साधने वाला बना दिया जाएगा, समझ में आ गई बात। दूसरी बात देखिए, आरबीआई की स्वायत्तता से दक्षता आती है और दक्षता बढ़ने से यह अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर पाएगी। तीसरी बात देखिए, आरबीआई एक सचेतक की भूमिका का निर्वहन करती है जिसके तहत यह समय समय पर अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर पेश कर सरकारी नीतियों को आईना भी दिखाता है, ठीक है। स्वायत्तता के अभाव में यह अन्य सरकारी कार्य योजनाओं की तरह सरकार के सुर से सुर मिलाएगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इससे अर्थव्यवस्था की कमजोरियां छिपती रहेंगी और दीर्घ काल में बहुत बड़ी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से जहां आरबीआई श्वेतता के लिए अनेक तर्क हैं, वहीं कुछ तर्क इस बात का भी समर्थन करते हैं कि आरबीआई पर सरकारी नियंत्रण भी आवश्यक है, जिससे उसके दो प्रमुख हैं। पहला यह है कि सरकार जनता से सीधे जुड़े होने के कारण जनता की वित्तीय आवश्यकताओं अधिक से अधिक परिचित होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अतः सरकार की सलाह से ही दक्ष एवं व्यवहारिक मौद्रिक नीति का निर्माण संभव है। दूसरी बात, सरकार तक आरबीआई की गैर निष्पादन संपत्तियों को बढ़ने से रोक पाने में विफलता को लेकर दिया जाता है। इसके तहत भारतीय वित्तीय प्रणाली की समस्याओं के समाधान हेतु अकेले केंद्रीय बैंक असक्षम है, अतः इसे सरकारी विशेषज्ञता की भी आवश्यकता होती है। उपित दोनों तर्कों का विश्लेषण यह निष्कर्ष निकालता है कि यद्यपि आरबीआई को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, तथापि उसे युक्तिपूर्वक सरकारी निर्देशों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दिया था, मिली जुली हमें चलना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, समझिएगा। यह दो पहियों पर चलने वाली चीज है, एक पहिए पर कैसे वित्तीय प्रबंधन को लेकर भागेंगे, केवल आरबीआई के ऊपर छोड़ देना भी ठीक नहीं है, और सरकार के सुर से सुर भी मिला दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये जो है आपने देखा, हमने इसको आपको समझाया। आइए बच्चों, अब हम लोग जो है यहां पर हमने अच्छी प्रकार से आपको ये प्रश्न कराए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें बड़ी अच्छी समझ में आई होंगी। एक एक पॉइंट पर बहुत टाइम देकर, बहुत समय देकर आपको समझाया जा रहा है। एक बार पूरा लेक्चर सुनने के बाद मुझे लगता है कि किसी तरह का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। फिर भी जो भी कोई चीज आपको क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें, सुने, समझे और पढ़ें, उसके बाद अपने कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताते रहें, लगातार अपने प्रश्नों को पूछते रहें। हमेशा आप लोगों के साथ में हम पूरी टीम जो है लगातार अच्छे से काम कर रही है और आप तक हम अपनी बातों को लगातार पहुंचाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों इस लेक्चर में अपने शब्दों को विराम देते हुए मिलते हैं पुनः अगले लेक्चर में। धन्यवाद बच्चों।